हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में सेक्शन सी का सोल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देर किस बात की, चले शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसका सेक्शन सी का, देखिए सेट ए का है, सेट वन का क्वेश्चन नंबर 27 है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको सेट थ्री में मिलेगा। सेट थ्री में बस क्या, यहाँ पर चेंज क्या किया हुआ है, एंगल चेंज किया है। यहाँ पर दिया है 5/x और यहाँ पर दिया है 12/x। तो देखिए जिस प्रोसीजर से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, उसी प्रोसीजर से आपका सेट थ्री का भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप कर ले तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि सेट वन में भी पूछा है, सेट टू में भी पूछा, सेट थ्री में भी पूछा है। तो मैं सबको इंडिकेट कर दूंगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर है वो सेट टू में आया हुआ है, सेट थ्री में आया हुआ है और सेट वन में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसको इधर ट्रांसफर कर लेनी है। तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 - x इक्वल टू यहां से हो जाएगा π/2। अब देखिए नेगेटिव इधर गया, पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा यहां से। ठीक है, अब टेकिंग साइड बोथ साइड, तो दोनों साइड हम क्या लेते हैं, साइन ले लेते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 - x इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अभी देखिए साइन ऑफ साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, यहां बचेगा कितना, 1 - x बचेगा, 1 - x इज इक्वल टू। अब साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा कितना होता है, साइन π/2 प्लस थीटा। अभी इसको कंसीडर कीजिए कि एज अ थीटा, तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा होता है यहां पर, कॉस थीटा होता है। ठीक है, कितना होता है कॉस थीटा, तो यहां से कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ साइन इनवर्स कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से इसको ओपन भी कर सकते हैं। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, देखिए हमको यहां पर हमारे पास साइन है, हमें साइन में ओपन करना है। यहां पर क्या है, साइन, इसलिए कॉस 2 थीटा को साइन के फॉर्म में ओपन करना है। तो यहां कितना हो जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो यहां कितना हो जाएगा, इंप्लाइज जाएगा यहां से 1 - x इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस थीटा को हम ओपन कर रहे हैं, कॉस 2 थीटा को, देखिए कॉस 2 और साइन इनवर्स x क्या होगा, थीटा हो गया। तो कितना हो जाएगा, 1 - 2 अब देखिए साइन स्क्वायर, तो साइन हो गया हमारे पास, अब स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा यहां से, साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए इसका स्क्वायर लिखे या होल का स्क्वायर लिखे, बात एक ही है, साइन स्क्वायर थीटा लिखे या फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर, बात क्या है, एक ही है। यहां इसलिए किया गया ताकि देखिए साइन इनवर्स साइन एलिमिनेट हो गया, कितना बचेगा, ओनली एक्स बचेगा, बाहर स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहां से, इंप्लाइज होगा 1 - x इज इक्वल टू 1 - 2। अब देखिए यहां से कितना हो जाएगा, एक्स बचेगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स बचेगा, स्क्वायर, इसलिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब सबको एक साइड ला दीजिए, तो देखिए ये दोनों सेम साइन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2x² - x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या मिला हमें, x कॉमन ले लीजिए, तो जब हम x कॉमन लेंगे तो यहां कितना मिलेगा, 2x - 1 इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से आपके दो सोल्यूशन मिल गया, यहां से इंप्लाइज हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 0 होगा और x इज इक्वल टू कितना होगा, यहां से 0 मिल गया। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 2x - 1 इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 1/2 आ गया यहां से। लेकिन अब देखते हैं कि कौन से x इज इक्वल टू 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या x इज इक्वल टू 1/2 सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 यहां पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू पुट कीजिए यहां पर, कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स आपको ये रफ काम कर लेनी है, डायरेक्ट फिर उसके बाद आपको सोल्यूशन लिख लेना कि x इज इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कितना हो जाएगा, 1 - 0 और यहां हो जाएगा -2 साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, यहां 0 हो जाएगा, यहां से खत्म। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/2, तो π/2 देखिए आगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, आई होप मैं समझाने में कामयाब रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन में। तो आइए बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, तो अगर नोट डाउन करना तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप नोट डाउन आपने कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसे
देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेट वन में 28 है और सेट थ्री में 29 है, ठीक है। सेम क्वेश्चन सेट वन में 28 से दिया हुआ है और सेट थ्री में 29 से दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या देखिए, इफ y इज इक्वल टू log ऑफ log x रेज x है, अब प्लस यहां पर हो जाएगा x रेज log x है, ठीक है। जैसा कि बताया था कि इसको आपको इस वाले में से एक्सरसाइज से कर लेनी, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज से आएगा ही आएगा, तो आया अगले बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने गेस करवाए थे उसमें से एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आए, एक ही दो क्वेश्चन जो बाहर से आया, लेकिन आपका देखा जाए तो 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से, बाकी कुछ ही क्वेश्चन बाहर से आया हुआ है। लेकिन अगर सेट थ्री की बात करें, जो सेट थ्री का कोड है 35/3/3, इसका जो पेपर था हमने इसको एनालाइज किया, ये थोड़ा पेपर टफ आया हुआ है, बाकी सभी पेपर बहुत इजी है। 35/5 पे जितने भी पेपर है बहुत इजी है, लेकिन 35/3 वाले जो सेट थ्री मैंने अभी सेट थ्री देखा है वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बनिस्पत इन तीनों के पेपर के। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, लेट यू इज इक्वल टू आपको ले लेना लॉग ऑफ लॉग एक्स ऑफ लॉग एक्स रेज एक्स ले लेनी है और वी इज इक्वल टू ले लेनी है एक्स लॉग एक्स रेज लॉग एक्स, ठीक है। अब दोनों में क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा log ऑफ log x रेज x, ठीक है। यहां कितना हो जाएगा, यहां पर log v इज इक्वल टू log ऑफ x रेज log x, ठीक है। तो देखिए log की प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा, log की प्रॉपर्टी से x बाहर आ जाएगा, यहां हो जाएगा log ऑफ log x हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा log v इज इक्वल टू log की प्रॉपर्टी से log x बाहर आ जाएगा, log x क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा log x बचेगा, ठीक है। तो log x टू टाइम हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेस बराबर पावर ऐड हो गया, तो कितना हो जाएगा log x का स्क्वायर, ठीक है, log x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद ठीक है, अब यहां से कितना हो जाएगा, अब डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कितना हो जाएगा log v log u को, अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों को, इसको भी और इसको भी, तो देखिए यहां कितना हो जाएगा 1/u आ जाएगा, और फर्दर u का कितना हो जाएगा du बाई डी एक्स हो जाएगा यहां से इज इक्वल टू। अब देखिए यहां पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट लगा दीजिए, तो यहां फर्स्ट मान लेते हैं इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास x एज इट इज और सेकंड का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले log ऑफ log x का होगा, तो log ऑफ log x का कितना हो जाएगा log x हो जाएगा, अब फर्दर log x करेंगे तो कितना आएगा 1/x, अब फर्दर x करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। अब यहां से हम निकाले थे इसकी वैल्यू, तो du बाई डी एक्स कितना हो जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए u इधर जाएगा डिनोमिनेटर, इधर गया न्यूमिनेटर, और u इज इक्वल टू है कितना log x रेज x है, तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं log x रेज x। अब यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए x x से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1/log x, ओ सॉरी यहां तो भी एक ही टाइप के, मतलब कि एक ही फंक्शन को किया, बाकी प्लस आगे भी तो होगा प्लस, अब किसको एज इट इज रखें, अब सेकेंड को एज इट इज रख रहे हैं, तो log ऑफ log x एज इट इज और x कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा प्लस का log ऑफ log x आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास du बाई डी एक्स मिल गया, वैसे हम dv बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, dv बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो देखिए dv बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dv बाई डी एक्स पहले log v का करेंगे तो 1/v आ जाएगा इंटू dv बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू। अब देखिए इसका देखिए पहले जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चेन रूल से होगा, पहले क्या होगा ब्रैकेट कटेगा, तो ब्रैकेट के पावर 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, लीजिए ला दिया, फिर कितना हो जाएगा log x, अब फिर इसके बाद एरो को अंदर जाएंगे तो कौन कट रहा है लॉग कट रहा है, तो लॉग का होगा तो लॉग का कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, फर्दर फिर अंदर ले जाएंगे एरो को तो कौन कट रहा है एक्स कट रहा है, तो एक्स का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब कोई फंक्शन बचा नहीं इसलिए इतना इसका एंड हो गया, ठीक है इतना हो गया। अब हम निकालते डीवी बाई डी एक्स निकालते हैं, डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी उधर जाएगा डिनोमिनेटर उधर गया न्यूमिनेटर, वी की वैल्यू गिवन है एक्स लॉग एक्स, तो यहां से हो जाएगा एक्स लॉग एक्स हो जाएगा यहां से, ठीक है। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा टू टाइम अप
और तो कुछ करते हैं, टू बाई एक्स ऑफ लॉग एक्स हो गया यहां से, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको आपने क्या लेट किया था, यहां से ये इम्प्लाइज हो जाएगा कैसे बन जाएगा, हमने लेट किया है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस का v आ जाएगा। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेनी है, और जो डिफ्रेंशिएट करके आएगा उसको थर्ड मान लेनी है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से आपको बस इसकी वैल्यू उठाकर पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स, इसलिए डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, कॉन्स्टेंट नहीं है यहां पर, यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, यहां से डी यू बाई डी एक्स वैल्यू यहां से उठा पुट कर दीजिए, डी वी बाई डी एक्स वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, देखते आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, अभी यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर दिख रहा है, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा यहां से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पर लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो तीनों का यूज करके हम लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स, देखिए लॉग लॉग एक्स रेज एक्स कितना हो जाएगा, वन अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, इतना हो गया। अब प्लस बी लिखना है तो प्लस डीबी बाई डी एक्स इतना हो जाएगा, एक्स रेज लॉग एक्स टू बाई एक्स लॉग एक्स, यहां से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, काफी हद तक समझाने में मैं कामयाब रहूंगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29 जो कि सेट टू में क्वेश्चन नंबर 32 है, ठीक है। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। जैसे बताया कि आप लोग का लाइक करने से कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे नया वीडियो जल्द से जल्द आप तक लाते रहते हैं। तो प्लीज देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, तो सेट वन में 29 है और सेट टू में कितना है, 32, सेट टू में 32 है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन का है, एक्स साइन वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई साइन ऑफ वाई बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए वैसे देखने से तो होमोजीनियस लग रहा है, लेकिन मैं इस पर दिखाना पड़ेगा एग्जाम में कि होमोजीनियस, तो होमोजीनियस दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बनाएंगे। तो देखिए यहां से क्या करिए, पहले इसको इधर ट्रांसफर किए, तो देखिए हम एक ही बार में लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए इधर उसको ट्रांसफर किया, ए नेगेटिव इधर गया पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा वाई साइन ऑफ वाई बाई एक्स हो जाएगा, यहां से ए पॉजिटिव इधर गया नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसके साथ क्या, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स साइन ऑफ वाई बाई एक्स हो जाएगा यहां से, ठीक है। अब होमोजीनियस कैसे चेक करते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई है, एफ ऑफ एक्स वाई है, तो हम एक्स को रिप्लेस करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं लैम्डा एक्स से और वाई को रिप्लेस करते हैं लैम्डा वाई से, ठीक है। रिप्लेस करने पर हमें क्या मिला, एफ ऑफ लैम्डा टाइम ऑफ लैम्डा रेज एन क्या मिल जाए, लैम्डा रेज एन एफ ऑफ एक्स वाई फिर से मिल जाए तो हम क्या बोल देंगे, होमोजीनियस है। अगर नहीं मिलता तो हम करते हैं नॉट होमोजीनियस, ठीक है। तो ये रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू, देखिए यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा लैम्डा वाई, ठीक है, साइन ऑफ लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा सॉरी लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा एक्स साइन ऑफ लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, ठीक है। तो देखिए यहां से लैम्डा 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 कैंसिल आउट हो गया और लैम्डा ऊपर से हम न्यूमरेटर से कॉमन ले रहे थे, कितना देगा लैम्डा कॉमन लिया तो यहां कितना देगा वाई, देखिए वाई साइन ऑफ वाई बाई एक्स माइनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा एक्स साइन ऑफ वाई बाई एक्स, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, हमें क्या मिलेगा एफ ऑफ एक्स वाई आ गया, यहां पर लैम्डा के पावर आप जीरो लिख सकते हैं,
ठीक है, लैम्डा के पावर जीरो का वैल्यू वन, तो देखिए मैं मिल गया, तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। अगर हम पूरी तरीके से हर एक टर्म से लैम्डा निकालने में कामयाब रहे तो हमारे पास क्या होता है, होमोजीनियस हो जाता है। यहाँ पर होमोजीनियस, तो आपको लिख देना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब होमोजीनियस इक्वेशन में करना क्या होता है, हमें करना होता है आपको लिख लेनी है। अब इसके बाद हमने चेक कर लिया, अब इसके बाद क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू यू एक्स, y इज इक्वल टू यू एक्स पुट करना है, और फिर कितना हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू एक्स का वन हो जाएगा प्लस x एज इट इज u का du by dx हो जाएगा यहां से। सॉरी अब देखिए यहां से क्या करना है, सबको वैल्यू रिप्लेस कर देना, तो dy by dx हम कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, तो आइए लिख दीजिए। और एक बात और, यहां से इंप्लाइज कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y बाई एक्स, u इज इक्वल टू y बाई एक्स आ जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से इंप्लाइज हो जाएगा u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए y की जगह पर कितना लिखना है, यू एक्स, तो यू एक्स लिख दिया, इंटू साइन ऑफ y बाई एक्स की जगह हम कितना लिख सकते हैं, साइन u, तो साइन u लिख दिया, माइनस x एज इट इज अपॉन x इंटू साइन u। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन क्या मिला है, हमें x कॉमन मिला था, हम कॉमन लेके कट कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो देखिए कॉमन लिया और कैंसिल आउट भी हो गया, तो कितना हो गया यहां से, x कॉमन लिया, यहां बचा हमारे पास u sin u माइनस वन अपॉन, देखिए नीचे वाले x से कैंसिल आउट हो जाएगा, sin u कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये बच गया, चलिए हमने कैंसिल आउट कर दिया। आपको अगले स्टेप में करना है, हमारे पास तो एडवांटेज है, हम कर सकते हैं यहां पर वैसे ही, ठीक है। अब इस u को उधर ट्रांसफर कीजिए, इस u को उधर ट्रांसफर कीजिए, कितना हो जाएगा, x du by dx इज इक्वल टू u sin u माइनस वन अपॉन sin u, फिर कितना हो जाएगा, माइनस का u, क्योंकि पॉजिटिव इधर आया नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, sin u, एलसीएम कितना आएगा, sin u एलसीएम आएगा। अब यहां कितना हो जाएगा, u sin u माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का u sin u, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, वन अपॉन साइन यू। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, साइन यू इंटू डी यू इज इक्वल टू, अब इधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स। अब दोनों साइड क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए साइन यू का कितना होता है, माइनस ऑफ कॉस यू, तो माइनस ऑफ कॉस यू हो जाएगा इज इक्वल टू, अब इसका कितना होगा, माइनस का लॉग, माइनस पहले था वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स हो जाएगा, तो लॉग एक्स, अब प्लस एक आर्बिट्री मान लेते सी है, ठीक है। और कुछ आगे हमें कुछ डेटा गिवेन है, गिवेन दैट एक्स इज इक्वल टू वन, हमें क्या गिवेन डेटा, एक्स इज इक्वल टू वन पर वाई कितना है, पाई बाई टू है, पाई बाई टू है, तो ये दिया हुआ है आपको इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए गिवेन है, तो रखिए इसमें रख दीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पर हमारे जो ओरिजिनल हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर कॉस यू को हम लिख सकते हैं, जैसे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉन्स्टेंट, अब इसको माइनस भी ले सकते हैं, तो माइनस हमने कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, आपके ऊपर प्लस ले रहे हैं माइनस ले रहे हैं वो तो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ यू, कॉस यू कितना हमने लिया था, वाई बाई, हाँ कहाँ पे, वाई बाई एक्स, क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड ऑफ एक्स, क्योंकि लॉग की वैल्यू नेगेटिव में डिफाइंड नहीं है, इसलिए मोड में लगाते हैं, प्लस का सी। अब देखिए रख देते हैं, अब देखिए वाई की वैल्यू पाई बाई टू रखना है, एक्स की वैल्यू वन रखना है, तो देखिए जैसे पाई बाई टू रखेंगे, एक्स की वैल्यू वन रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू आ जाएगा यहां से, दिख रहा है कि नहीं आपको, हाँ दिख रहा है, तो कॉस पाई बाई टू हो जाएगा यहां से इज इक्वल टू लॉग, यहां कितना हो जाएगा, वन प्लस सी, लॉग वन की वैल्यू जीरो और कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो, यहां से इंप्लाइज कितना हो गया, सी इज इक्वल टू जीरो, कितना आ गया, सी इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनल आंसर में आपको कितना लिखना है, देखिए सी की वैल्यू हमें मिल गई, तो फाइनल आंसर हम चले सी को इरेज करके यही लिखते हैं। ओ सॉरी, आप अगर आपको नोट डाउन करना हो तो टीचर और बैक जाके आप नोट डाउन कर लीजिएगा, तो इरेज हो गया। अब देखिए यहां से कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा कॉस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आपको सेट सेट टू में भी मिलेगा, सेट थ्री में भी मिलेगा, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, क्वेश्चन नंबर 30 सेट टू में भी है, सेट थ्री में भी है, तीनों सेट में कॉमन है क्वेश्चन है। अगर 30 की बात करें तो सेट
वन में क्वेश्चन नंबर 30 है, सेट टू में क्वेश्चन नंबर 29 है और सेट थ्री में क्वेश्चन नंबर 32 है। ठीक है, देखिए एक एक तीर तीन निशाने हो रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया है कि इफ ए इज इक्वल टू, हमें यहां पर दो वेक्टर गिवेन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू गिवेन है आई प्लस टू जे प्लस थ्री के एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू गिवेन है टू आई प्लस फोर जे माइनस फाइव के, माइनस फाइव के गिवेन है। रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो देखिए हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं यहां पर, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पी पैरेललोग्राम साइड एक मान लेते हैं पी है, वेक्टर पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा टू प्लस वन थ्री आई प्लस ए कितना हो जाएगा सिक्स जे प्लस यहां कितना हो जाएगा, इसको ऐड कीजिए तो माइनस का टू के आ जाएगा, माइनस का टू के आ जाएगा। ठीक है, और एक और वेक्टर क्यू ले लेते हैं, वेक्टर क्यू इज इक्वल टू बी माइनस का वन हो जाएगा। अब ए माइनस बी भी कर सकते हैं, यहां पर ए माइनस बी भी कर सकते हैं, बी माइनस ए भी कर सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां पर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा यहां से, वेक्टर क्यू इज इक्वल टू अब टू में से वन गया आई प्लस फोर में से टू गया टू बचेगा जे माइनस फाइव में से माइनस थ्री जाएगा माइनस का एट के। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर पूछा था, यूनिट वेक्टर के लिए क्या लेना है, देखिए यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा पी हमारे पास यूनिट वेक्टर हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री आई प्लस सिक्स जे माइनस टू के। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको छोड़कर सेकंड क्वेश्चन इसको ट्राई किया होगा यूजिंग वेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि ये वाला जो ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत कमी लोग के जो कि माइंड में क्लिक किया होगा जिसकी वजह से कर ले, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हो जाता, बहुत टाइम आपका टाइम भी बहुत कम लेता, लेकिन लोगों को पता ना होने की वजह से सेकंड क्वेश्चन पर ट्राई किए होंगे, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। ठीक है, अब देखिए यहां से कितना जगह मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो मैग्नीट्यूड कितना जगह थ्री का स्क्वायर करेंगे नाइन प्लस सिक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स प्लस टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा। सिमिलरली यहां से वेक्टर क्यू का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से I प्लस टू जे अब कैप लगा लीजिएगा माइनस का एट के, चलिए कैप लगा देते हैं अपॉन कितना हो जाएगा यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ वन वन के स्क्वायर वन टू के स्क्वायर फोर एट के साथ सिक्सटी फोर। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड कीजिए तो थ्री आयोटा प्लस सिक्स जे माइनस टू के अपॉन एड किए थ्री, यहां से इसको एड करेंगे तो 40 प्लस 9 49 49 रूट से बाहर आएगा 7 आ जाएगा यहां से। ठीक है, और यहां से ए कितना हो जाएगा क्यू वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्यू कितना हो जाएगा आई आई प्लस टू जे माइनस एट के, यहां से कितना आ जाएगा एड किए तो 69 आएगा जो कि बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इतना पैसे छोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ अ डायगोनल, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर हो गया, अब यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, और पार्ट की, इसके और पार्ट की, देखिए कितना आसानी से चार नंबर आपको मिल गया, लेकिन जो किया होगा उसके लिए तो वह नहीं किया होगा, सेकंड क्वेश्चन तो ट्राई कर ही लिया, क्योंकि इस बार का पेपर पिछले बार के मुकाबले बहुत ईजी आया था। अगर सेट थ्री की बात, सेट थ्री जो कि आपका कोड उसका था, कोड 65/3/3 वाले को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी पेपर आए थे बहुत ईजी आए थे। अब बात करते हैं यूजिंग ए वेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, ए गिवन है। ठीक है, अब उसमें क्या बोला है, ए सेट हमें इसका दिया वन टू थ्री, वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री टू माइनस वन एंड फोर, ए भी गिवन है। और प्लीज चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, दोनों का ऑप्शन खुला हुआ है, लेकिन लाइक करेंगे तो हम मोटिवेशन मिलता है, डिसलाइक करते तो डिमोलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक रहेगी कि आप लाइक करते हैं ये वीडियो को, और ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके फ्रेंड का भी इसे बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आइए, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, ए बी निकाल लेते हैं और बी सी निकाल, ए सी निकाल लेते हैं, ए बी और ए सी निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा कितना, एरिया ऑफ, बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, वन बाई टू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, तो हमें पहले सबसे पहले क्या निकालना है, ए बी निकालना है, हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, फिर ए सी निकालना है, तो आइए ए बी निकालते हैं।
ठीक है, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी को हम सॉरी डी हो गया, ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। देखिए बी बी कौन सा ये, टू में से वन गया वन बचा तो आयोटा हो जाएगा, माइनस वन में से माइनस टू गया माइनस का थ्री जे हो जाएगा, फोर में से थ्री गया वन हो जाएगा प्लस का, हाँ प्लस का वन हो जाएगा के। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं एसी की, एसी इज इक्वल टू एसी मतलब वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू, देखिए फोर में से वन गया थ्री आयोटा, फाइव में से टू गया फाइव में से टू गया प्लस का थ्री आयोटा मीन्स ये माइनस वन में से माइनस थ्री गया माइनस का फोर का आयोटा माइनस का फोर के। ठीक है, आयोटा जायोटा कायोटा यहां से आ गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या करें, हम ए बी मिल गया बीसी मिल गया तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू आई जे के, आई जे के इसका कोएफिशिएंट वन, इसका कोएफिशिएंट माइनस थ्री, इसका वन, इसका थ्री, थ्री माइनस फोर। चलिए अब निकालने में तो एक्सपर्ट है, निकालिए अब। चलिए कितना हो जाएगा इज इक्वल टू आई के करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे, पहले रो के करस्पॉन्डिंग तो ए गया इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना हो जाएगा 12 प्लस का 12 और माइनस का 3 प्लस का 12 माइनस का 3 माइनस का जे ए गया ए गया इसका मल्टीप्लाई से माइनस का 4 और इसका मल्टीप्लाई से माइनस का 3 प्लस के ए गया तो इसका मल्टीप्लाई में 3 और माइनस माइनस प्लस 9 माइनस माइनस 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो देखिए लेते कैसे, अक्सर क्रॉस प्रोडक्ट में गलतियां कर देते हैं, देखिए आपको बस करना है कि इसको मिटा लेनी, फिर जो आपको मैट्रिक्स बचेगा, जो आपके पास मैट्रिक्स बच रहा है पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है और उसके उसके नीचे से एंटी डायगोनल, पहले डायगोनल मल्टीप्लाई करना है फिर एंटी डायगोनल। ठीक है, फिर अगर सेकंड की बात करें, सेकंड की बात करें तो सेकंड में इसको इसको लेना है तो इसको भूल जाइए, इसका मल्टी इसमें कीजिए, इसका मल्टी इसमें कीजिए। ठीक है, अब थर्ड की बात करेंगे तो ए गया इसको भूल जाइए, इसका मल्टी इसमें माइनस इसका मल्टी इसमें कर दीजिए। ठीक है, हम सही से लिख देते हैं चलिए आयोटा जे के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि कितना जाएगा यहां से, यहां बचेगा नाइन तो नाइन आई हो जाएगा, यहां से बचेगा माइनस का सेवन, बाहर भी माइनस है तो प्लस का सेवन हो जाएगा जे, यहां से कितना हो जाएगा ट्वेल्व के हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं आप, एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू वन बाई टू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नाइन आई प्लस सेवन जे प्लस ट्वेल्व के। ठीक है, आपको पहले लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ इतना क्रॉस इतना, मतलब इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, इस वैल्यू को यहां लिखनी है, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, कितना हो जाएगा वन बाई टू, मैग्नीट्यूड निकालने में तो एक्सपर्ट है, नाइन का स्क्वायर 81 प्लस सेवन का स्क्वायर 49 प्लस इसका स्क्वायर 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 ऐड कर लीजिए तो 1 बाई टू ऑफ कितना हो जाएगा 4, इसको दिया 10 हो गया, 10 प्लस 4 14 कैरी 1 4 4 8 प्लस 8 8 16 16 प्लस 1 17 फिर 1 1 और 2 इतना आ गया अंडर रूट में। ठीक है, अब एक बार चेक कर लीजिएगा एडिंग सर, जो भी गलती आएगी तो एडिंग क्या आएगी, बाकी आंसर सही वैसे ही आएगा। ठीक है, एक बार फिर से चेक ही कर लेते हैं, तो यहां से इसको दे दिया कितना का 10 प्लस 4 14 कैरी 1 फिर यहां से 4 प्लस 4 8 हो गया 8 8 16 प्लस 1 17 फिर 1 2 ठीक है इतना आ गया आंसर। ठीक है, अगर बाहर निकाला तो बाहर निकाल लीजिए, नहीं निकाला तो छोड़ दीजिए, उतने आंसर है अपने, इतना बहुत मेहनत कर लिया, इतना बहुत मेहनत कर लिया, इतने में आपको नंबर मिल जाएगा। अब फिर बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 31 जो कि तीनों सेट में आया हुआ है, 31 नंबर क्वेश्चन तीनों सेट में आया हुआ है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन करना, ये और पार्ट था, ये कहता और पार्ट था, तो अब इससे पहले वाला ज्यादा आसान था बनिस्बत इसके। खैर, आपने जो किया होगा अच्छा ही किया होगा, आशा करते हैं कि नंबर भी अच्छे ही आएंगे सबके। चलिए अब इसी बात पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि नंबरिंग है 31। तो ये सेट वन में जो है, सेट वन में आपका है 31 और सेट टू की बात करें तो सेट टू में है 30 और सेट थ्री की बात करें तो सेट थ्री में है 31। एक तीर तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, क्वेश्चन पढ़ के हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर आना है, हमारा डायरेक्ट इससे सॉल्यूशन पर आना है, सॉल्यूशन क्या करना है। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, लेट कर लेना है सॉल्यूशन इसका, लेट द नंबर ऑफ, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है समझिएगा, लेट द नंबर ऑफ सवर्नियर, स्पेलिंग क्या है एक मिनट,
स्पेलिंग में क्या रखा है, अब तो मैथ का पेपर है, नंबर कटने वाले नहीं है। सेवन ईयर ऑफ टाइप ए ऑफ टाइप ए बी एक्स एंड टाइप बी बी वाई। ठीक है, अब देखिए कुछ भी चीज हमारे पास कोई भी प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन या तो नहीं होगा या तो होगा, ऐसा थोड़ी है कि नेगेटिव में जाएगा, या तो नहीं हो रहा होगा या तो होगा ही होगा। देखिए उस केस में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, अब नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं है। ऐसा थोड़ी बात है कि हमारे यहाँ माइनस फाइव चेयर बनते हैं, माइनस टेन कार बनते हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, नेगेटिव का सवाल नहीं है इसमें, या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा, तो कितना हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सिमिलरली वाई ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला कि फाइव मिनट आप कटिंग के लिए ले रहे हैं और टेन मिनट किसके लिए ले रहा है, टेन मिनट अच्छा ए टाइप का है, मानते कि हमारे पास यहाँ पर टाइप ए है और टाइप बी है, टाइप ए और बी, पहले हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। और मान लेते कि यहाँ पर हमारे पास कटिंग है और यहाँ पर क्या है और असेंबल करना है, असेंबल, ठीक है असेंबल के लिए। तो देखिए जो ए टाइप का फाइव मिनट कटिंग के लिए रहा है और टेन मिनट असेंबल के, टेन मिनट असेंबल के लिए ले रहा है, और जो टाइप बी है वो एक टाइम कटिंग के लिए रहा है एक मिनट और असेंबल के लिए कितना ले रहा है एक मिनट, दोनों एट एट ले रहा है, एट मिनट कटिंग एंड एट मिनट असेंबल के लिए। गिवन दैट द टोटल टाइम ऑफ कटिंग थ्री आवर्स और ट्वेंटी मिनट, थ्री आवर्स एंड ट्वेंटी मिनट, और देखिए थ्री आवर्स ट्वेंटी मिनट है तो हम क्या करेंगे, या तो दोनों को आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे या तो मिनट में। तो देखिए थ्री एक मिनट थ्री आवर्स है तो थ्री इंटू सिक्सटी कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, छह थ्री का अठारह एक सौ अस्सी मिनट हो जाएगा, और बीस मिनट और है तो बीस मिनट और एड कर देते कितना आ जाएगा जीरो जीरो और टू ट्वेंटी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल टू मिनट टू हंड्रेड मिनट क्या ले रहा है, कटिंग के लिए रहा है, तो कटिंग के लिए रहा तो कटिंग की लाइन में आ जाएगा टू हंड्रेड मिनट। अभी मिनट में बात कर रहे हैं, आवर्स में बात करें बहुत, चलिए समझिए, खैर आगे देखते हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं एट आवर्स ले रहा है किसके लिए, असेंबल के लिए ले रहा है, तो एट आवर्स ले रहा है तो एट इंटू सिक्सटीन का दिए छह चौका चौबीस हो जाएगा, ट्वेंटी फोर जीरो हो जाएगा यहां से। ठीक है, अब देखिए क्या लगेगा कि इसमें क्या बोला, लिस्ट यहां लगेगा कि ग्रेटेस्ट लगेगा, अब बात कर लेते हैं लिस्ट लगेगा ग्रेटर, क्वेश्चन में देख लेते हैं कि गिवन दैट टोटल मिनट, ठीक है इससे ज्यादा हो नहीं सकता, इससे ज्यादा हो नहीं सकता, तो क्या होगा लेस देन इक्वल टू, ठीक है इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा टाइम हम नहीं ले सकते हैं, तो क्या होगा इतना ही होगा। ठीक है समझ रहे हैं, अब इसको बताइए बना लेते हैं। तो हमने क्या माना था, हमने एक्स टाइप ए को एक्स माना था, टाइप बी को हमने वाई माना था, यहां पर एक्स हो जाएगा ए बी एक्स ए वाई हो जाएगा। ठीक है आसानी से बन गया, अब बस सॉल्यूशन कर लीजिए, बहुत आसान है, मेन तो काम यही था, मेन जो हेडर का काम था आपका यही था, ये बन गया तो उसका मतलब सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन करने के लिए मैं थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूं, समझ रहे टाइम की मतलब स्पेस की कमी है क्या। यहां पर देखिए एक बार फिर से बता दे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्यों होगा क्योंकि नेगेटिव में हो नहीं सकता, y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्यों हो नहीं सकता कि ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, और हमने कटिंग के लिए मतलब कटिंग के लिए हमने x सॉरी कटिंग के लिए बोला टाइप ए को हमने x लिया था, टाइप बी को हमने y लिया था, तो कटिंग के लिए यहां पर दिया फाइव मिनट तो फाइव एक्स हो जाएगा, अब प्लस का यहां पर हो जाएगा एट वाई, और कितना ज्यादा लेस देन इक्वल टू 200 से ज्यादा हो नहीं सकता, 200 ज्यादा मतलब 200 मिनट से ज्यादा हमें टाइम मिल नहीं रहा, तो 200 मिनट हो जाएगा यहां से। और सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड हो जाएगा 10x प्लस 5y, 5 ही दिया था सॉरी 8 है, 8 लेस देन इक्वल टू 240। अब देखिए यहां से हो गया, अब क्या करना है आपको एलपीपीसी की हेल्प से सॉल्व करना है। देखिए तो पॉइंट कैसे निकालते हैं, पॉइंट जब भी निकालते हैं इक्वल टू जीरो मतलब इक्वल यहां पर लेस देन इक्वल टू साइन को हटा के हम इक्वल टू साइन को इक्वल टू साइन से हम निकालते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो रखें तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो देखिए एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, एक क्वेश्चन सेकंड हो गया, अब फर्स्ट की बात करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट देखिए एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिए, एक्स इज इक्वल टू जीरो से पुट कर दिया तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू आठ पंजे चार दुनिया सोलह बचा कितना 16 4 20 8 5 40 5 आ गया 25 आ गया। ठीक है अब y इज इक्वल टू जीरो रख दीजिए, जब y इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 40 आ गया। तो देखिए हमें मिल गया एक पॉइंट, अब फ्रॉम टू से बात कर लेते हैं, फ्रॉम टू तो x की वैल्यू जीरो रखिए तो x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो कितना 8 3 का 24 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू जीरो रखने पर y की वैल्यू 24 8 3 का 24 30 आ गया। अब y इज इक्वल टू जीरो रखें तो y इज इक्वल टू जीरो रखा तो एक कैंसिल 24 आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 24 आ गया।
ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, 40 जा रही है, तो हमें 10-10 का इंटरवल हम लेके काम कर सकते हैं, 10-10 के इंटरवल पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यह देखिए 1, 2, 3, 4, 5 मतलब ये 10, 20, 30, 40 एंड 50 है, यहां पर 10, 20, 30, 40 एंड 50, तो ज्यादा ही ले लेते हैं, कम नहीं लेना चाहिए, ज्यादा ही ले लेते हैं। अब देखिए पहला वाला प्लॉट करेंगे 0 और 25 कहाँ होगा, यहां तक 20 हो गया, ये 30 है, तो इसके बीच में होगा 25 यहां होगा, तो कौन सा पॉइंट होगा 0, 25। अब इसको कहां से मिलाना है 40, 0, तो 40 यहां पर हो गया, ये कितना 40, 0 हो जाएगा, तो इसको इससे मिला दीजिए। चलिए हमने एक मिला दिया, एक मिनट कहां जा रहा है भाई आप, चलिए यहां चला गया। ठीक है, अब दूसरे लाइन को प्लॉट करते हैं, दूसरा लाइन कितना 0 पर 30 दे रहा है, तो मतलब 0 पर 30 मतलब यही लाइन हो गया। ठीक है, 0 पर 30 हमारे पास ये हो जाएगा। हाँ, अब इसके बाद दूसरा 0 पर 24 दे रहा है, 24 कहां होगा, 25 इसके बीचों बीच होगा, 25 से थोड़ा सा इधर होगा, 25 से थोड़ा सा इधर होगा। आप स्केल से कीजिएगा, स्केल से एकदम एग्जैक्ट आया होगा आपका, मान लीजिए ऐसा क्या। ठीक है, अब देखिए लेस देन इक्वल टू में क्या बनता है, नीचे का बनता है, जो हमें कॉमन रीजन मिलेगा वो ये मिलेगा कॉमन रीजन। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके एक मार्क खाली इसी पर हो गया, एक मार्क खाली आपके क्या होगा, आपके फिगर पे है एक मार्क, तो फिगर को बहुत ही अच्छे से बनाना होता है इसमें। ठीक है, एक मार्क मिल गया। अब देखिए कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा मिला है, एक तो मैं ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, तीसरा ये मिल गया, ये तो 0.0 होगा, इसकी बात ही छोड़ देंगे क्योंकि मैं मैक्सिमम बोला। अच्छा एक मिनट, सब्जेक्टिव फंक्शन तो सब्जेक्टिव तो लिख दिया, ऑब्जेक्टिव तो लिखा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना होगा, देखिए जहां प्रॉफिट की बात आ जाएगी, प्रॉफिट और लॉस की बात आएगी, वो हमारे पास सब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम इधर लिख देते हैं, मैक्स जेड इज इक्वल टू टाइप ए के लिए 100 रुपए ले रहा है तो 100x हो जाएगा, और टाइप बी के लिए कितना ले रहा है 120 ले रहा है तो 120y हो जाएगा, ये हमारा मैक्स फंक्शन हो गया। ठीक है, देखिए हमारे पास ग्राफ मिल गया। अब देखिए ए भी हमें वैल्यू पता है कितना है, 24.0 है, 24.0 है। अब बच कौन सा क्या है, ये बच गया, इसको कैसे निकालते हैं, दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो देखिए दोनों को सॉल्व करके निकालिएगा, तो चलिए निकाल ही लेते हैं। तो देखिए ऐसा सबट्रैक्ट कर लीजिए, देखिए सबट्रैक्ट कर लीजिए, सेकंड सेकंड माइनस फर्स्ट कर लीजिए। ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया, 5 बचा 5x, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम है, इज इक्वल टू यहां से जाएगा, यहां से कितना जाएगा, ये गया 0, 0, 4, 4, 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, यहां से 2, 2 से कैंसिल आउट गया खत्म, यहां से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, 5, 40 8 आ गया, x की वैल्यू 8 आ गई। अब x की वैल्यू किसी एक में रख के y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू 8 आ गई, अब y की वैल्यू चलिए रख दीजिए किसी एक इक्वेशन में, मान लेते पहले इक्वेशन में रख दिया, तो 8, 5, 40 40+8y=200 इधर गया, तो 8y=200 माइनस का 40 तो 160 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 8×16=0, 20 आ गया। ठीक है, हमें सारा पॉइंट मिल गया, सारे कॉर्नर पॉइंट मिल गया। अब देखते हैं किस कॉर्नर पॉइंट पर मैक्सिमम हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, बाकी हम इसके बाद बात करते हैं इसके मैक्सिमम की। ठीक है, तो आई होप हमने नोट डाउन कर लिया होगा, तो आइए देखिए आप बना लीजिए जैसा आपको बुक में दिया हुआ है। यहां पर हो जाएगा कॉर्नर पॉइंट सीपी, एक कनाट प्लेस वाला सीपी नहीं, कर्नर पॉइंट वाला सीपी है। ठीक है, यहां पर मैक्स जेड है, मैक्स जेड कितना दिया था 100x+120y गिवन है। ठीक है, अब देखिए पहला हम इसको रख लेते हैं, मान देखिए इसका नेमिंग कर देते हैं ए, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया, इसका नाम ओ दे दिया। तो पहले ओ से बात कर लेते, तो 0.0 पर हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, 0.0 पर 0 ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ए की, तो ए इज इक्वल टू कितना है, ए इज इक्वल टू 0.25 है, पहले सबकी वैल्यू लिख के फिर बात कर लेते हैं। बी की वैल्यू बात कर ले, बी के लिए है तो 8.20, सी की बात कर लेते हैं 24.0 है। ठीक है, अब रखिए इसकी वैल्यू 0 रखा, 0 हो गया, आप फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए 25 में y मतलब यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए, ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू 0 हो गया, y की वैल्यू रखिए, तो देखिए कितना 25×50 0 पहले से है, 25×50 25 से कम 25 25 और 50 कितना हो जाएगा यहां से 30। ठीक है,
यहां तो जाएगा। अब इसमें एक्स वैल्यू रखे तो 800 आ जाएगा, 800 प्लस 20 24 हो जाएगा सीधे, 12 दूनी 24, एक जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है यहां से एक जीरो और, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 16 32, हाँ ठीक है 32 इतना आ गया। अब इसकी वैल्यू रखे तो कितना हो जाएगा, 24 0, ठीक है इतना हमारे पास आ रहा है। तो मैक्सिमम कहां मिल रहा है हमें, मैक्सिमम इस पॉइंट पर मिल रहा है, बी पॉइंट पर हमें मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मैक्सिमम हमें बी पॉइंट पर मिल रहा है। तो मैक्स जेड मिला कितना, मैक्स जेड इज इक्वल टू मिला है 3200 एट एक्स इज इक्वल टू 8 एंड वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो आई होप समझाने में काफी हद तक मैं कामयाब रहूंगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसके प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी तीनों मतलब तीनों सेट में आया हुआ, सेम क्वेश्चन तीनों सेट में आया हुआ है, ठीक है। तो आई होप नोट डाउन आपने कर लिया होगा। तो बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी की। इसमें सीधे आपको एक बार रफ काम करना है, अगर एक बार रफ काम कर लिया तब कैंसर कहीं गड़बड़ होने के चांसेस ही नहीं होती है। अगर डायरेक्ट आप करने लग गए तो बहुत सोचना पड़ता है, एक बार रफ काम कर लीजिए आराम से हो जाएगा। अब देखिए इसके बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 जो कि इस सेक्शन का सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है, सेट 1 में 32 गिवेन है, सेट 2 में कितना 31 गिवेन है, 31 नंबर क्वेश्चन नंबर, और जो सेट 3 है, एक मिनट, सेट 3 में कितना है 30 नंबर है, ठीक है तीनों सेट में। इसमें 3 रोटेन एप्पल आर मिक्स विथ 7 फ्रेश एप्पल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रोटेन एप्पल, ठीक है मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में निकालना है। तो देखिए देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर 3 रोटेन एप्पल आर मिक्स विद द 7 फ्रेश एप्पल, तो कितने हमारे पास रोटेन एप्पल कितना दिया है, लेट द सॉल्यूशन द रोटेन एप्पल इक्वल टू 3 एंड द फ्रेश एप्पल इज इक्वल टू 7, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 10 हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल एप्पल इज इक्वल टू 10, ठीक है हमारे पास क्वेश्चन गिवेन था। अब इसमें से क्या कर रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रोटेन एप्पल इफ 3 एप्पल आर ड्रॉन 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेसमेंट के साथ निकाला जा रहा है कि एक निकाला उसको डाल के दूसरा निकाल लें, फिर उसको डाल के तीसरा निकाल लें, ठीक है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन करना है। तो देखिए एक रोटेन एप्पल को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मान लीजिए ई क्या है हमारे पास, चलिए ई मान लेते हैं, हाँ ठीक है ई1 मान लेते हैं, ई1 हमारे पास क्या है कि रोटेन एप्पल के लिए है और ई2 मान लेते हैं फ्रेश एप्पल के लिए है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 कितना हो जाएगा, देखिए ई1 कितना हो जाएगा 3 by 10 हो जाएगा और ई2 कितना हो जाएगा 7 by 10 हो जाएगा, 7 by 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास हो गया, अब फिर इसका हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। देखिए 3 एप्पल निकालना है, बैक टू बैक 3 एप्पल निकालना है। तो देखिए हो सकता है कि पहले बार हमने मान लीजिए हमारे पास, चलिए मान लीजिए हमारे पास इसी में एप्पल रखा हुआ है, इसी में एप्पल रखा हुआ है, हो सकता है कि पहली बार हमने एप्पल डाला होगा और रोटेन एप्पल नहीं निकला होगा, दूसरी बार डाला होगा दूसरी बार भी नहीं निकला होगा, तीसरी बार डाला होगा तीसरी बार भी नहीं निकला होगा। तो देखिए x क्या हो गया, नंबर ऑफ एप्पल, मान लेते x इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ रोटेन एप्पल, तो एक तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब दूसरा इसमें पॉसिबिलिटी क्या आएगी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये आएगी कि अब देखिए यहां पे चले एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा एक, ठीक है। अब होगा कि पहली बार डाला होगा रोटेन एप्पल निकल गया होगा लेकिन दूसरी और तीसरी बार भी नहीं निकला होगा, तो एक्स इज इक्वल टू यहां पर 1 भी आ सकती है एक्स की वैल्यू। अब एक और पॉसिबिलिटी लेते हैं कि पहली बार डाला होगा दूसरी बार दोनों बार में रोटेन एप्पल मिल गया और तीसरी बार नहीं मिला होगा, तो 2 आ गया, और एक हो सकता है कि तीनों बार हमें मिल गया होगा, तीनों बार हमें मिल गया होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 1, 2 and 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां समेत इस लेंदी क्वेश्चन है, इसको हालांकि 4 नंबर में दे, 6 नंबर में दे दे तो ज्यादा आसान होता, लेकिन खैर 3 नंबर में दे दिए, अब क्या कर सकते हैं। चलिए आइए यहां पर क्या लेना है, x बी द नंबर ऑफ रोटेन एप्पल, लेट x बी द नंबर ऑफ रोटेन एप्पल, रोटेन
एप्पल, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब देखिए क्या हम निकाले p ऑफ x इज इक्वल टू 0 के लिए निकाल लेते पहले। देखिए जब भी प्रोबेबिलिटी में, जब भी प्रोबेबिलिटी में और आता है, और का मतलब एडिशन होता है, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, और आएगा तो आपको दो प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है, अगर एंड आ जाए तो दोनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है। अब इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, क्वेश्चन गलत होने का चांसेस नहीं है। अब देखिए जीरो कब आएगा, मान देखिए हमारे पास दोनों बार पहली बार डाला तो पी ऑफ ई टू मिल गया होगा, मतलब फ्रेश एप्पल मिल गया होगा और रिप्लेसमेंट अलाउ है, इनटू दूसरी बार में भी क्या मिला होगा, ई टू मिल गया होगा, तीसरी बार में भी ई टू मिल गया होगा, इवन एक बार भी नहीं मिला होगा तभी तो एक्स इज इक्वल टू जीरो है। एक्स हमने क्या माना है कि रोटेन एप्पल को माना है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 7 बाई 10। तो कितना हो जाएगा 7/10 इंटू 7/10, ऐसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसके और पार्ट को किए होंगे, हाँ और पार्ट को किए होंगे जो कि बायस थ्योरम से हैं। चलिए खैर वो भी अच्छा ही क्वेश्चन था 7/10। तो कितना हो जाएगा 7 × 7 = 43 343 upon 000 000। एक तो यह हो गया, और फिर क्या होगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। देखिए इसमें क्या आएगा, देखिए इसमें होगा कि पहली बार हमने डाला होगा हाथ और क्या मिला होगा हमें, रोटेन एप्पल मिल गया होगा, बाकी दो बार नहीं मिलेगा तभी इज इक्वल टू 1 है, एक्स इज इक्वल टू 1 है। एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी, या मतलब और क्या आएगा कि पहली बार नहीं मिला होगा दूसरी बार मिला होगा, तो पहली बार नहीं मिला होगा तो मतलब पहली बार ई टू मिला होगा और दूसरी बार मिला होगा ई वन मिला होगा, वैसे ही तीसरी बार मिला होगा, तीसरी बार में कौन मिला होगा ई टू मिला होगा, या फिर क्या आएगा, या फिर आएगा हमें पहली बार भी नहीं मिला होगा और दूसरी बार भी नहीं मिला होगा, तो मिलेगा कब, तीसरी बार मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जब देख रहे हैं तो दोनों में ये देखिए यहां पर टू टाइम आया, यहां पर एक टाइम यहां पर आ रहा है, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 3 × p ऑफ e1 × p ऑफ e2 × p ऑफ e2 लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा 3 × 3/10 × 7/10 × 7/10 होगा। तो डिनोमिनेटर में तो कुछ करना नहीं, आपको कितना लिख देना है 1000 लिख देना है, और न्यूमिनेटर में कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व किया गया, सॉल्व करते हैं 7 × 7 = 49, 7 × 7 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 449 × 3 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9, 9 × 81 = 9,
अब इसके बाद बात कर लेते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू टू। तो देखिए जैसे इसमें तीन पॉसिबिलिटी आई वैसे ही एक्स इज इक्वल टू टू भी रखेंगे तो तीन पॉसिबिलिटी आएगी। तो मैं इसी में समझा देता हूँ, उसको आगे डायरेक्ट लिखूंगा। मान लीजिए पहली बार मिला होगा, मतलब पहली बार मिला होगा और दूसरी बार मिला होगा, ठीक है, तीसरी बार नहीं मिला होगा, वैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब एक एक को रोटेट कीजिए, तो पहली बार नहीं मिला होगा मतलब नहीं मिला होगा टू होगा, दूसरी बार और तीसरी बार मिला होगा, ठीक है। अब कब मिलेगा, पहली बार मिला होगा और आखिरी बार मिला होगा और दूसरी बार नहीं मिला होगा। तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, थ्री टाइप में हमारे पास तीन कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहे थे, यहाँ पे कितना होगा थ्री इंटू पी ऑफ इवन इंटू पी ऑफ इवन इंटू पी ऑफ ई टू हो जाएगा यहाँ से भी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सही से कर लेते हैं, गड़बड़ हो गया, ई टू इवन इवन ई टू, फिर यहां से इवन इवन लास्ट में इवन कर देते हैं, लास्ट में बीच में करना है, यहाँ पर इवन हो जाएगा, यहाँ पर ई टू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद देखिए इसकी वैल्यू निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, थ्री इंटू पी ऑफ इवन थ्री बाई टेन इंटू पी ऑफ इवन थ्री बाई टेन इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा सेवन बाई टेन, थाउजेंड हो गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा सेवन थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन इंटू सेवन, सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, नाइन सेवन से फोर्टी, फिर फोर्टीन प्लस फोर एटीन कितना होगा वन एट नाइन हो गया यहाँ से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री पर, नहीं काफी लेंदी क्वेश्चन है, पता नहीं लेंदी क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ज्यादातर लोगों ने सेकंड इसका और पार्ट किया होगा, और पार्ट आसानी से हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें कि तीनों बार मिला होगा पी वन पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ई टू, सॉरी ई वन ही आएगा क्योंकि रोटेन एप्पल निकालना है,
कितना आ जाएगा 3 बाई 10 इंटू 3 बाई 10 इंटू 3 बाई 10 इज इक्वल टू 3327 बाई 1000 आ जाएगा। ठीक है, तीनों हमारे पास आ गया। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, हमें इसके लिए निकालना है फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ रोटेन एप्पल, इसका मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला कितना होता है, मीन के फॉर्मूले के लिए हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं ऊपर। लीजिए एक मिनट, कुछ मिनट, एक दो तीन, जीरो वाला तो चला गया, खैर जीरो वाला लिख लेंगे। जीरो वाला कितना आया था, जीरो वाला, चलिए जीरो वाला यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स और पी ऑफ एक्स हो जाएगा जीरो वन टू एंड थ्री। ठीक है, हमारे पास हो गया। जीरो के लिए कितना था, एक मिनट, जीरो के लिए फोर थ्री था, थ्री फोर थ्री बाई थाउजेंड आया था जीरो के लिए आया था। अब वन के लिए हमने यहां निकाला था फोर फोर वन थाउजेंड और यहां निकालेंगे तो कितना होगा 189/1000। थ्री के लिए निकालेंगे तो 27/1000। ठीक है, अब मीन का फॉर्मूला कितना होता है, अब इसका काम हो गया, इसको इरेज कर दे। नोट डाउन करना तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, अब मिटा दिया है अभी तो फिलहाल, पीछे जाके भी नोट डाउन करना तो जाके। फॉर्मूला हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू कितना होता है समेशन आई, देख कहां से रन कर रहा, जीरो से लेकर थ्री तक आई रनिंग फ्रॉम जीरो टू थ्री चला जाएगा और एक्स इंटू पी एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू पी एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए एक्स की वैल्यू जीरो इंटू पी ऑफ एक्स जीरो, तो कितना है 343/1000 प्लस 1 इंटू 441/1000 प्लस 2 इंटू 189/1000 प्लस 3 इंटू 27/1000। ठीक है, अब देखिए तो कॉमन लीजिए, 1000 कॉमन लीजिए, अब इसको ऐड कर लीजिए तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 1 ही रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 918 कैरी 1 16 117 202 प्लस 1 3 प्लस 7 3 31 1 3 2 6 और 7 1 8 81 आ गया यहां से। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहां से 1 प्लस 1 2 प्लस 8 0 10 मतलब कैरी 1, फिर यहां से इसको ऐड करेंगे 12 7 29 प्लस 1 20 0 3 2 यहां पर 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 आ गया यहां से 1000। तो देखिए दो जीरो से कैंसिल आउट तो कितना आ गया 9/10 आंसर आ गया। इसका मीन कितना का 0.9 या फिर 9/10 आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मीन आ गया। अब बात कर लेते इसके और पार्ट की, जो कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने इसके और पार्ट को ही किया होगा। चलिए आइए इसके और पार्ट की बात कर लेते हैं। तो और पार्ट की बात कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसी को सॉल्व किया होगा। इन अ सॉप एक्स 30 ऑफ गी ऑफ टाइप ए एंड 40 ऑफ गी ऑफ टाइप बी विच लुक अलाइक आर केप्ट फॉर सेल वाइल सॉप वाई सिमिलर 50 ऑफ घी और मतलब टाइप ए एंड 60 टाइप ऑफ बी 1 ऑफ घी इज परचेस फ्रॉम वन ऑफ द रेंडमली सिलेक्टेड सॉप एंड इट फाउंड इज फाउंड टू बी अ टाइप बी। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ परचेज फ्रॉम शॉप वाई। ठीक है, तो देखिए मान लेते कि लेट इवन हमारे पास क्या है, इवन गेटिंग घी फ्रॉम एक्स, दो शॉप है एक्स एंड वाई, और ई टू को मान लेते कि वाई से लिया गया, गेटिंग घी फ्रॉम वाई। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, जो हमें निकालना है उसको ए लेते हैं कि हमें निकालना है ए, मान लेते कि गेटिंग टाइप बी, ए क्या हो जाएगा गेटिंग टाइप बी घी, टाइप बी का घी निकालना है तो टाइप बी घी मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है ई। अब देखिए जब हमने यहां पर लेट कर लिया तो अब देखिए इवन से हम घी टाइप बी टाइप ए घी कैसे निकाल सकते, प्रोबेबिलिटी अब कितना हो जाएगा, हमें निकालना है ए टू, हमें पता क्या है कि हमें कहां से, सॉरी हमें निकालना क्या है टाइप बी का घी, कहां से निकालना है हमें ई वन से निकालना है, कहां से निकालना है ई वन से निकालना है।
ठीक है, जो हमें पता होता है उसको नीचे लिखते हैं, जो हमें मालूम करना होता है, फाइंड करना होता है, उसे ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो हमें पता है क्या है कि हम इवन से निकालना है, क्या निकालना है, ए निकालना है। ए क्या है, टाइप बी, मतलब टाइप बी टाइप का की है। ठीक है, तो बी टाइप का की ए1 में कितना है, मतलब एक्स में कितना है, बी टाइप का की 40 है, तो 40 अपॉन कितना हो जाएगा, टोटल एड कीजिए तो 30 प्लस 70 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4/7 आ जाएगा यहां से। और सिमिलरली क्या लगा लेते, पी ऑफ हम ए2 से भी निकाल रहे हैं, ए टाइप का मतलब बी टाइप का की, ये हमारे पास क्या है, टाइप बी की है। ठीक है, इस वाले ए और उस वाले में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। चलिए कंफ्यूज ज्यादा हो रहे थे, इसको पी मान लेते हैं, चलिए पी पी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा तो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। ठीक है, अरे हो एक्स भी दिया हुआ है यहाँ पर, एक्स क्या है, स्वाप दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर हमने चलिए एस ले लेते हैं, इज इक्वल टू, बस समझने का फेर है क्या, कैसे आप समझ रहे हैं। अब इसमें क्या है, 50 और 60, तो 60 हो जाएगा टाइप बी का अपॉन 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6/11 आ जाएगा। अब देखिए इसको सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी कितना है, प्रोबेबिलिटी कितना है, दो दो टाइप के, या तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं या तो इसको, तो पी ऑफ इवन कितना हो जाएगा, क्योंकि पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम स्वाप को सेलेक्ट करेंगे, पहले हम स्वाप को सेलेक्ट करेंगे, तो हम स्वाप x से लेना है कि स्वाप y से लेना है, तो स्वाप x से लेना है तो इवन हो जाएगा, तो इवन कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि दो स्वाप है तो एक स्वाप को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। वैसे ही पी ऑफ e2 कितना हो जाएगा, पी ऑफ e2 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा यहां से। ठीक है, अब बायस थ्योरम लगा दीजिए, आंसर ला दीजिए। तो देखिए बायस थ्योरम से क्या हो जाएगा, तो हमें निकालना क्या है, हमें यहां पर निकालना है कि हमारे पास, हमें पता है कि निकला क्या है, बी टाइप का की, हमें पता है निकला है बी टाइप का घी, क्योंकि हमने सॉरी यहां पर एस ले लिया था, बी टाइप का घी निकला है। और कहां से निकालना है इसको, E2 से निकालना है, कहां से निकालना है, E2 से निकालना है, तो E2 हो जाएगा यहां पर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले तो E2 को सेलेक्ट करेंगे, पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ S/E2 अपॉन पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ S/E1 प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ S/E2। अब सबकी वैल्यू पता है, रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर ला दीजिए। तो देखिए थोड़ा लेंदी नहीं था, तो ट्रिकी था, लेंदी नहीं था, बहुत आसानी सॉल्व हो गया होगा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो बहुत लेंदी था। E2 की वैल्यू 1/2 इंटू इसकी वैल्यू कितना की मैंने, S/E2 6/11 अपॉन इसकी वैल्यू 1/2 इंटू 4/7 प्लस 1/2 इंटू 6/11। अब देखिए 1/2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लीजिएगा, अब इसे सॉल्व कीजिए, तो 6/11 आ जाएगा यहां से, 4/7 एंड 67 ऊपर जाएगा, 11 से कैंसिल आउट कर जाएगा, 21/43 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 21/47 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये तो रहा सेक्शन सी का सॉल्यूशन, इसके बाद सेक्शन डी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके जितने भी हैं, 4 क्वेश्चन है, 4 और 2 आर पार्ट मिला के 6 क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर प्लीज नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। और देखिए लाइक करने में कितनी बार बोलते हैं, लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा है, 1 रुपया नहीं जा रहा है। अब आप लोग बोलेंगे लाइक करने के लिए बार बार क्यों बोला जाता है, लाइक करने के लिए इसलिए बोला जाता है कि लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है हमें कि चलो मेरे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही वीडियो और लाते रहे। ठीक है, लाइक करने के लिए इसलिए बोला जाता है, और नए वीडियो पाने के लिए, इसका जो सेक्शन डी पार्ट है इसका सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबाइएगा, और बेल आइकन पर जो ऑल का नोटिफिकेशन है उसे ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक ऑल का नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तब तक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचने वाली है। ठीक है, क्योंकि जो YouTube का एल्गोरिथम काफी चेंज हो चुका है, तो जब तक ऑल का नोटिफिकेशन नहीं दबाएंगे तब तक आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा, तो मिस कर देंगे। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।